नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर रिवीजन फॉर फिल्म 2018 में आपका स्वागत है। करंट अफेयर की रिवीजन में आईआर की रिवीजन का ये हमारा 9th लेक्चर है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दुकम पोर्ट के बारे में। कहाँ पे है दुकम पोर्ट? ओमान में है। लोकेशन पहले आप देख लीजिए, ओमान में है दुकम पोर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है इंडियन ओशन में। भारत के प्रधानमंत्री मोदी गए थे ओमान की यात्रा पे। वहां पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया और ओमान के बीच। इस एग्रीमेंट के तहत इंडिया ओमान के दुकम पोर्ट को यूज करेगा लॉजिस्टिक पर्पजेज के लिए, कॉमर्शियल पर्पजेज के लिए और इवन मिलिट्री यूज के लिए भी। इंडिया के मिलिट्री वेसल्स ओमान के दुकम पोर्ट पर रुक सकेंगे मेंटेनेंस और दूसरे पर्पजेज के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट ये एग्रीमेंट है जो कि इंडिया और ओमान के बीच साइन हुआ है। इंडियन ओशन में आपको पता है चाइना लगातार अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहा है। ग्वादर पोर्ट एस्टैब्लिश कर रहा है चाइना पाकिस्तान में। लोकेशन यहां पे है ग्वादर पोर्ट की। और इंडिया भी ईरान के अंदर छबार पोर्ट डेवलप कर रहा है। तो ये देखो, ये लोकेशन है ग्वादर पोर्ट की और ईरान में इंडिया छबार पोर्ट डेवलप कर रहा है और दुकम पोर्ट यहां पे है। तो इस दिशा से चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया और ओमान के बीच साइन हुआ ये एग्रीमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंडियन ओशन में सेशल्स का एक आइलैंड है, अजम्पशन आइलैंड। अजम्पशन आइलैंड को लेके इंडिया और सेशल्स के बीच एक एमओयू साइन हुआ है। इस एग्रीमेंट के तहत इंडिया अजम्पशन आइलैंड पे एयर स्ट्रिप बिल्ड करेगा और डॉकिंग फैसिलिटी को भी डेवलप करेगा। इसके अलावा मॉरिशस का एक आइलैंड है, अगालेगा आइलैंड। यहां पे भी इंडिया एयर स्ट्रिप और डॉकिंग फैसिलिटी डेवलप करेगा। इसको लेके इंडिया और मॉरिशस के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो ये सारे जो आइलैंड्स हैं इनकी लोकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ये पूछ सकती है कौन सा आइलैंड कौन से देश में आता है। ये भी पूछ सकती है डिफरेंट आइलैंड्स को नॉर्थ से साउथ अरेंज कीजिए या फिर ईस्ट टू वेस्ट अरेंज कीजिए। और ये भी पूछ सकती है कि अंडमान एंड निकोबार के कौन सा आइलैंड नजदीक है या फिर लक्षद्वीप के कौन सा आइलैंड नजदीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं मैपिंग से संबंधित। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में है। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स पब्लिश किया जाता है यूके बेस्ड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इंडिया को 2017 के ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2016 में इंडिया का स्थान 32वां था, 10 स्थान इंडिया पीछे खिसक गया है। 5 क्रिटेरियाज के आधार पे ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स तैयार किया जाता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। कौन सी ये 5 क्रिटेरियाज हैं? सबसे पहले इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म, दूसरे नंबर पे सिविल लिबर्टीज, तीसरे नंबर पे फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, चौथे नंबर पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पांचवें नंबर पे पॉलिटिकल कल्चर। इंडिया फ्लॉड डेमोक्रेसीज की कैटेगरी में है। 42वें स्थान के साथ इंडिया फ्लॉड डेमोक्रेसीज की कैटेगरी में है। यूएस भी 21वें स्थान के साथ फ्लॉड डेमोक्रेसीज की कैटेगरी में है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल सिंध खलाई कम्युनिटी के बारे में है। ये अफगान कम्युनिटी है जो कि इंडिया में रहती है। इस कम्युनिटी ने दो पार्टीशन, दो बंटवारे की मार झेली। कैसे? 1947 यानी 1947 से पहले यह कम्युनिटी अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे रहती थी, यहां मान लेते हैं। लेकिन 1947 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ब्रिटिशर्स ने लाइन खींच दी, डूरंड लाइन। तो इनके जो विलेजेस थे वो पाकिस्तान में आ गए। लेकिन बाद में जैसे ही बंटवारा हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान से इनको भगा दिया गया और बोल दिया गया कि आप इंडिया में जाइए। तो 1947 बंटवारे के बाद ये इंडिया में आ गए। और ज्यादा इंफॉर्मेशन की बात करें, वुमन सिंध खलाई कम्युनिटी की पश्तून हिंदूज हैं जो कि बलोच एरिया से संबंध रखती हैं, काकड़ी ट्राइब से। पश्तून वाली सभ्यता के जो भी नॉर्म्स, कल्चर या एथिक्स हैं वो सब फॉलो किए जाते हैं सिंध खलाई कम्युनिटी के द्वारा। अभी क्या कंटेक्स्ट है, हामिद करजई जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं अफगानिस्तान के, वो इंडिया में सिंध खलाई कम्युनिटी के लोगों से मिले। ये कंटेक्स्ट है, मूवी बनने वाली है इन लोगों पे एक। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2017 के बारे में है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पब्लिश किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, IEP। वैसे इस इंडेक्स को पब्लिश किया गया था 2017 के लिए। जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है इसे पब्लिश किया गया था पिछले साल नवंबर में, लेकिन फिर से सुर्खियों में है। 163 यानी 163 कंट्रीज को कवर किया गया है, रैंकिंग दी गई है इस इंडेक्स में, जो कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 99.7% है। क्या ऑब्जेक्टिव क्या है इस इंडेक्स का? ऑब्जेक्टिव ये है कि टेररिज्म का क्या ट्रेंड्स हैं डिफरेंट कंट्रीज में, ट्रेंड्स का पता लगाया जा सके ताकि फ्यूचर स्टेप्स उठाए जा सके टेररिज्म से, आतंकवाद से निपटने के लिए। 4 पैरामीटर्स के आधार पे ये इंडेक्स तैयार किया जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जल्दी से नजर मार लीजिए। 1 साल में किसी देश में कितनी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर, 1 साल में आतंकवादी घटनाओं के कारण कितनी डेथ्स हुई हैं, दूसरा पैरामीटर।
तीसरा पैरामीटर, आतंकवादी घटनाओं के कारण एक साल में कितनी इंजरीज हुई हैं, कितने लोग घायल हुए हैं। और सबसे लास्ट में चौथा पैरामीटर, प्रॉपर्टी को कितना डैमेज हुआ है आतंकवादी घटनाओं के कारण एक साल में। तो चार पैरामीटर्स के आधार पर यह इंडेक्स तैयार किया जाता है। 2017 के इंडेक्स में पता लगा कि 2016 में ऑलमोस्ट दो तिहाई देशों में कोई ना कोई टेररिस्ट अटैक जरूर हुआ है और इंडिया टॉप 10 मोस्ट इंपैक्टेड कंट्रीज में है। देखो, टेररिज्म के कारण जो सबसे ज्यादा इंपैक्टेड देश हैं उसमें से इंडिया एक है। इसके अलावा टेररिज्म के कारण पूरे वर्ल्ड में जितनी डेथ्स हुई हैं उसका 33% अकेले 5 कंट्रीज में हुई है, जैसे अफगानिस्तान, सीरिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इराक। इन 5 कंट्रीज में टोटल वर्ल्ड का 33% डेथ हुई है। और सबसे लास्ट में मेजर रीजन, आतंकवाद का मेजर रीजन है इंटरनल कंफ्लिक्ट। देश के अंदर ही जो सिविल वार या फिर इंटरनल कंफ्लिक्ट की सिचुएशन है कई देशों में, इसकी वजह से सबसे ज्यादा टेररिज्म की घटनाएं होती हैं। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट ये है कि इस फंड में इंडिया ने एडिशनल $1 मिलियन कॉन्ट्रीब्यूट किए साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए। साउथ साउथ कोऑपरेशन क्या है? देखो, आप इस मैप पर नजर डालिए, साउथ में जो कंट्रीज हैं इनमें एक रिलेशन है। ऑलमोस्ट सभी साउथ के जो कंट्रीज हैं वो कॉलोनिज्म का शिकार बने थे, इनको गुलाम बनाया गया था। ये कंट्रीज काफी गरीब हैं और ऊपर जो नॉर्थ के कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज या जो नॉर्थ के कंट्रीज हैं, वहां पे ज्यादा गरीबी नहीं है। तो देखो, ये साउथ साउथ कोऑपरेशन का मुद्दा काफी उठा 1950s के बाद, जब कई सारे देश आजाद हुए, भारत आजाद हुआ और कई सारे देश आजाद हुए थे। उस समय साउथ साउथ कोऑपरेशन का इशू बहुत उठा कि साउथ में जो कंट्रीज हैं उनको आपस में कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ के कंट्रीज ने उनको काफी दबाया है, काफी सप्रेस किया है। तो साउथ साउथ के कंट्रीज को आपस में कोऑपरेट करना चाहिए, एशिया के कंट्रीज को, अफ्रीका के कंट्रीज के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, ताकि डेवलपमेंट के रास्ते पर अभी साउथ के कंट्रीज आगे चल सकें। तो ये थोड़ा सा हिंट आपको मिल गया होगा साउथ साउथ कोऑपरेशन का। इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड की बात करें तो इंडिया ने यूएनओ एसएससी के साथ मिलकर इस डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड का निर्माण किया और यह फंड मैनेज किया जाता है यूएनओ एसएससी के द्वारा। यूएनओ एसएससी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। इसको 1974 से यूएनडीपी के द्वारा होस्ट किया जा रहा है और यूएन जनरल असेंबली के द्वारा इस्टैब्लिश किया गया यूएनओ एसएससी को। मकसद क्या है? मकसद है ग्लोब के साउथ में जो कंट्रीज आते हैं साउथ साउथ कोऑपरेशन को इंश्योर करना। जैसे अब इंडिया ने फंड को कंट्रीब्यूट किया, इंडोनेशिया ने भी किया और भी कई सारे देशों ने किया जो साउथ में आते हैं। तो इस फंड की सहायता से साउथ में जो बहुत ही गरीब देश हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज या फिर स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, वहां पे प्रोजेक्ट्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे गरीबी को कम करने के लिए, हंगर को कम करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए, एजुकेशन पे ध्यान देने के लिए, हेल्थ पे ध्यान देने के लिए। तो इन सब कामों के लिए वहां पे प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश किए जाएंगे साउथ साउथ कोऑपरेशन की सहायता से। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? फरवरी में यूएई में ऑर्गेनाइज हुआ था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट और हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने एड्रेस किया था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2013 में पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ था। हर बार ये ऑर्गेनाइज होता है दुबई, यूएई में। इस समिट में विभिन्न देशों के जो लीडर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और डायलॉग कंडक्ट होता है भविष्यवाद के इश्यूज पे, जैसे टेक्नोलॉजी, इनोवेशन। वर्ल्ड गवर्नमेंट लीडर्स के अलावा दूसरे जो बिजनेस के लीडर्स हैं या फिर एकेडमिक से संबंधित जो प्रोफेसर्स हैं वो भी इस समिट को अटेंड करते हैं। मेनली ये नॉलेज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, नॉलेज का आदान प्रदान होता है। एनजीओ है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर है दुबई में, हर बार यही समिट ऑर्गेनाइज होता है। पिछली बार 2017 में पहला ग्लोबल डायलॉग फॉर हैप्पीनेस भी आयोजित हुआ था। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से एक दिन पहले यह फर्स्ट ग्लोबल डायलॉग फॉर हैप्पीनेस आयोजित हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के बारे में। अगला आर्टिकल तंजानिया से है। क्या कंटेक्स्ट है? तंजानिया ने यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी प्रोग्राम से विड्रॉ कर लिया है। क्यों? सिक्योरिटी के चलते और फंड्स की कमी के चलते। लोकेशन आप देख लीजिए तंजानिया की, अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पे है तंजानिया। तंजानिया के जो आसपास के देश हैं जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, यहां से बहुत सारे रिफ्यूजी आते हैं तंजानिया में। और तंजानिया ने न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन को भी साइन किया था। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन आई थी 2016 में, काफी सारी बातें कही गई थी न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन में। एक प्रकार से रिफ्यूजी क्राइसिस से निपटने के लिए फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया गया था, जैसे रिफ्यूजीज और माइग्रेंट्स के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। और जो कंट्रीज अभी फिलहाल रिफ्यूजी क्राइसिस से जूझ रहे हैं बाकी कंट्रीज उस कंट्री की हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो बच्चे हैं बच्चों की एजुकेशन के लिए प्रोविजन किया जाएगा, ह्यूमैनिटेरियन फंडिंग दी जाएगी उस देश को जो रिफ्यूजी क्राइसिस से जूझ रहे हैं। ये सारी बातें कही गई थी न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन में। तो
तो आप याद रखिएगा, यूपीएससी पूछ सकती है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन किससे संबंधित है। रिफ्यूजी क्राइसिस से निपटने के लिए फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करता है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल मरामोन कन्वेंशन के बारे में है। मरामोन कन्वेंशन एशिया की लार्जेस्ट क्रिश्चियन कन्वेंशन है। क्रिश्चियन इकट्ठा होते हैं इस कन्वेंशन में। कहां पे है ये मरामोन? केरला में है। हर साल फरवरी के दूसरे वीक में ये कन्वेंशन आयोजित होती है केरला में मरामोन में। मार थोमा चर्च की एक सोसाइटी है, एसोसिएशन है, जिसका नाम है मार थोमा इवेंजलिस्टिक एसोसिएशन। इवेंजलिस्टिक का मतलब होता है प्रचारक संबंधी। तो ये एसोसिएशन इस मरामोन कन्वेंशन को आयोजित करती है। 1895 यानी 1895 में सबसे पहली बार ये कन्वेंशन ऑर्गेनाइज हुई थी और इस साल 123rd कन्वेंशन आयोजित हो रही है मरामोन में। और इस कन्वेंशन में फोकस किया गया पैम्पा रिवर को कंजर्व करने पे और इन्वायरमेंट को कंजर्व करने पे। पैम्पा रिवर आपको पता है केरला की 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है। सबसे लॉन्गेस्ट है पेरियार, उसके बाद भरतपूजा और उसके बाद पैम्पा रिवर। सबरीमाला जो टेम्पल है वो पैम्पा रिवर पे है। पैम्पा रिवर को पैम्बा रिवर भी कहते हैं। पैम्पा रिवर दोनों एक ही बात है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल जोगी घोपा के बारे में है। जोगी घोपा असम का एक छोटा सा टाउन है। यहां पे सरकार एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एस्टैब्लिश कर रही है। यानी असम का ये छोटा सा टाउन जोगी घोपा साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्टिविटी के लिए गेटवे का काम करेगा। इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में रोड, रेल, वाटरवेज, एयर ट्रांसपोर्ट, ये सारी फैसिलिटीज उपलब्ध होंगी। रेलवे साइडिंग, कंटेनर वेसल्स, वेयर हाउसिंग, नॉन कार्गो प्रोसेसिंग, ट्रक टर्मिनल, कॉमन फैसिलिटीज, स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में। यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी तो यूं पूछेगी कि जोगी घोपा कौन से स्टेट में है। याद रखिएगा असम में एक छोटा सा टाउन है जोगी घोपा, जो कि जहां पे एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एस्टैब्लिश किया जा रहा है और साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्टिविटी के लिए ये एक गेटवे का काम करेगा। और इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल एस्टैब्लिश किया जाएगा बैक बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी जोगी घोपा के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2018 के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? फरवरी में ऑर्गेनाइज हुआ वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2018, प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेशन किया और इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी टेरी के द्वारा। टेरी एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, एक थिंक टैंक है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इश्यूज पे रिसर्च करता है। और वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2018 की थीम है पार्टनरशिप्स फॉर ए रिजिलियंट प्लैनेट। इस मौके पे एक एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एग्जीबिशन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को डिमोन्स्ट्रेट किया जाएगा जिनकी सहायता से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जा सकता है। और इस समिट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जुड़े जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, थिंकर्स हो, प्रोफेसर्स हो, वो सब भी पार्टिसिपेट करेंगे। आप एक सिंपल चीज बताइए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है? इट इज काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। देखो सिंपल भाषा में हम बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है वो डेवलपमेंट जो सस्टेन रहे, कंटिन्यूअस बेसिस पे चलती रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्राउंड वाटर यानी भूजल का यूज कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं निकाल रहे, थोड़ा थोड़ा निकाल रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा अपने आप और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ग्राउंड वाटर उपलब्ध रहेगा क्योंकि हम बहुत थोड़ा यूज कर रहे हैं और रिचार्ज भी उसी गति से हो रहा है। लेकिन हम ग्राउंड वाटर को बहुत ज्यादा एक्सप्लोइट करते हैं, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो उतना तेजी से हम यूज कर रहे हैं लेकिन उतना तेजी से रिचार्ज नहीं हो रहा है ग्राउंड वाटर। एक समय ऐसा आएगा कि ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा और हमारी फ्यूचर जनरेशंस तो बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकेंगी ग्राउंड वाटर क्योंकि हम ही उसे खत्म कर चुके होंगे। तो ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है, यानी हम इतना ज्यादा एक्सप्लोइट कर रहे हैं रिसोर्सेज को कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो इस प्रकार से हम डेवलपमेंट लाएं कि फ्यूचर जनरेशंस के पास भी ये रिसोर्सेज मौजूद रहे, वो भी अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, वो भी डेवलपमेंट ला सके। तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल संबंध इनिशिएटिव के बारे में है। पिछले साल हमारी वेस्टर्न नेवल कमांड ने संबंध एक्सरसाइज आयोजित की थी और इस एक्सरसाइज में इंडियन ओशन में जो 10 लिटोरल कंट्रीज हैं, यानी जो इंडियन ओशन में तटीय देश हैं, जैसे मालदीव, म्यांमार, इंडोनेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ओमान, कतर, यूएई, मलेशिया, मॉरिशस, इन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था संबंध इनिशिएटिव में, संबंध एक्सरसाइज में, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया की वेस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा। इस संबंध इनिशिएटिव के अंतर्गत 10 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के जो नेवी ऑफिसर्स हैं वो इंडिया में आए
INS विक्रमादित्य का उन्हें एक्सपोजर मिला, तो ये उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहा। क्योंकि देखो ये 10 जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं इनकी नेवी इंडिया जितनी स्ट्रांग नहीं है, तो उन्हें INS विक्रमादित्य जैसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर का कई बार एक्सपोजर नहीं मिल पाता, तो संबंध इनिशिएटिव के तहत इन 10 कंट्रीज के पार्टिसिपेटिंग ऑफिसर्स को काफी फायदा हुआ। इसके अलावा इंडिया की नेवी ने मोबाइल ट्रेनिंग टीम्स भी भेजी इंडियन ओशन के लिटरल कंट्रीज में, ताकि वहां की नेवी के ऑफिसर्स को ट्रेन किया जा सके। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप संबंध इनिशिएटिव के बारे में याद रखिएगा। अगला आर्टिकल वर्ल्ड कांग्रेस ऑन IT 2018 के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? फरवरी में ऑर्गेनाइज हुई वर्ल्ड कांग्रेस ऑन IT 2018। किसके द्वारा इस कांग्रेस को ऑर्गेनाइज किया गया? वर्ल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्विस अलायंस के द्वारा, और थीम इस कांग्रेस की फ्यूचर एंटरप्राइजेस। देखो वर्ल्ड कांग्रेस ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लार्जेस्ट एंड मोस्ट रेपुटेबल इंटरनेशनल इवेंट है IT सेक्टर से जुड़ी, और इस कांग्रेस में दुनिया में विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनीज के जो CEOs हैं, जो IT सेक्टर से जुड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके CEOs, NGOs, साइंटिस्ट, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और विभिन्न गवर्नमेंट्स के ऑफिशियल्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। और अभी लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल ट्रेंड्स जो IT बिजनेसेस को प्रभावित करते हैं उनके बारे में चर्चा होगी, इनोवेटिव सॉल्यूशंस एग्जीबिट किए जाएंगे, बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स होंगी। सबसे पहले वर्ल्ड कांग्रेस ऑन IT आयोजित हुई थी 1978 यानी 1978 में। तो आप इस अलायंस के बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए जो इस कांग्रेस को आयोजित कर रहा है, वर्ल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्विस अलायंस। वर्ल्ड में IT सेक्टर से जुड़ी जो विभिन्न एसोसिएशंस हैं उनका कंसोर्टियम है ये अलायंस, वर्ल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्विस अलायंस। इसे फाउंड किया गया था 1978 में। मोटो है इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस कंसोर्टियम का, फुलफिलिंग द प्रोमिस ऑफ डिजिटल एज। तो विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन जैसे WTO, G8, OECD, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन में IT सेक्टर के इंटरेस्ट को एडवोकेट करता है ये अलायंस, वर्ल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्विस अलायंस। अगला आर्टिकल यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के बारे में है। यूनिसेफ ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि 2016 में 600,000 बच्चों की डेथ हो गई एक महीने की एज अचीव करने से पहले ही। एग्जैक्टली आपको बताऊं न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट के बारे में, 1,000 में से कितने बच्चों की डेथ हो जाती है 28 दिन की एज अचीव करने से पहले, यह है न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। और इंडिया में न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट है 25.4। और देखो यूनिसेफ ने यह भी कहा कि 52 लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज की जो रैंकिंग निकाली गई उसमें से इंडिया 12वां सबसे वर्स्ट कंट्री है न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट के दृष्टिकोण से। और यह काफी वेरी करती है इंडिया में, केरला और गोवा जैसे स्टेट्स में न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट काफी कम है, 1,000 में से सिर्फ 10 बच्चों की डेथ होती है 28 दिन की एज अचीव करने से पहले। और जबकि कुछ स्टेट्स जैसे बिहार, उत्तराखंड, इन राज्यों में न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट 44 के आसपास है, यानी इन राज्यों में 1,000 में से 44 बच्चों की डेथ हो जाती है 28 दिन अचीव करने से पहले ही। हम काफी स्लो चल रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हिसाब से 2030 से पहले हमें हमारे देश में न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट 12 तक लेके आना है। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 में आता है ये टारगेट, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो इसके हिसाब से हमारी जो न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट है वो 12 तक आनी चाहिए 2030 से पहले, लेकिन इस टारगेट के हिसाब से हम उतना तेज नहीं चल रहे हैं। यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में हालांकि इंडिया ने इंप्रूव किया है, पहले इंडिया की जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट थी वो 43 थी, लेकिन अब इसे हम 39 तक लेके आए हैं, यानी कि 1,000 में से अभी भी 39 बच्चों की डेथ हो जाती है 5 साल की अचीव करने से पहले, और जबकि पहले ये आंकड़ा 43 था, तो इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। यूनिसेफ के बारे में बात करें तो देखो UN की एजेंसी है, जैसे नाम से ही पता लगता है शुरुआत में UN है। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1946 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। फुल फॉर्म क्या है यूनिसेफ की? फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। देखो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उससे कुछ देशों में बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था, तो बच्चों की वेलफेयर के लिए जिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर से प्रभावित कंट्रीज में बच्चे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं उन बच्चों के वेलफेयर के लिए इस बॉडी का निर्माण किया गया था, लेकिन बाद में इस बॉडी के मैंडेट को एक्सटेंड कर दिया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से प्रभावित कंट्रीज के अलावा जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पे भी बच्चों की वेलफेयर के लिए काम करती है यूनिसेफ बॉडी, और इसको नोबल पीस प्राइज भी मिला था 1965 में। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यूनिसेफ के बारे में याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल ग्लोबल करप्शन इंडेक्स के बारे में है। ग्लोबल करप्शन इंडेक्स पब्लिश किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल NGO है जिसका हेडक्वार्टर है बर्लिन में। तो इस ग्लोबल करप्शन इंडेक्स के हिसाब से इंडिया को रैंक हासिल हुई है 81, तो 2 स्थान इंडिया फिसल गया है।
2016 में ग्लोबल करप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग थी 79, अब हो गई है 81। इस इंडेक्स के हिसाब से न्यूजीलैंड सबसे कम करप्ट कंट्री है और सोमालिया सबसे ज्यादा करप्ट कंट्री है। तो ये इंफॉर्मेशन थी ग्लोबल करप्शन इंडेक्स के बारे में। ये जरूर याद रखिएगा, ये इंडेक्स पब्लिश किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। क्वेश्चन यू पूछा जा सकता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का यूएन की बॉडी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कोई बॉडी है? कुछ भी नहीं है, ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अगला आर्टिकल मिलन एक्सरसाइज के बारे में है। 8 दिनों की मेगा नेवल एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज हुई फरवरी में और इस मिलन एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन नेवी के द्वारा। इंडियन नेवी की अंडमान एंड निकोबार कमांड ने इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया। 16 देशों की नेवीज ने पार्टिसिपेट किया मिलन एक्सरसाइज में, जैसे ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, वियतनाम, थाईलैंड, तंजानिया, सारे के सारे देश आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बार मिलन एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया गया था 1995 में, उस समय 5 देशों की नेवीज ने पार्टिसिपेट किया था। 2 साल में एक बार ऑर्गेनाइज होती है ये मिलन एक्सरसाइज। मकसद ये होता है इस इनिशिएटिव का कि इंडियन ओशन रीजन में कई सारे कंट्रीज के जो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे उनके कॉमन कंसर्न्स हैं। जैसे आपको पता है चाइना लगातार कोशिश कर रहा है इंडियन ओशन रीजन में अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने की, और कई बार तो चाइना सी कम्युनिकेशन लेंस में भी बाधा पहुंचाता है। तो इस प्रकार के कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए, फ्रेंडली जो नेवी कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी इस एक्सरसाइज में। हमारे इंडिया में अंडमान एंड निकोबार की जो नेवल कमांड है उसके तत्वाधान में ये मिलन एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की जाएगी। और एक चिंताजनक बात यह है कि मालदीव ने इंकार कर दिया। मालदीव ने भी पार्टिसिपेट करना था इस मिलन एक्सरसाइज में, लेकिन हमारे न्योते को ठुकरा दिया, इनवाइट को डिक्लाइन कर दिया मालदीव ने। अगला आर्टिकल टोंगा के बारे में है। टोंगा एक छोटा सा आइलैंड है पैसिफिक ओशन में, लोकेशन आप देख लीजिए, यहाँ पे है टोंगा। टोंगा में ट्रॉपिकल साइक्लोन आया जिसका नाम था गीता। गीता ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा टोंगा को। तो अब इंडिया ने टोंगा आइलैंड की सहायता के लिए $1 मिलियन की एड दी है। ये सहायता पहुंचेगी टोंगा तक इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड की सहायता से। और देखो स्पेसिफिकली $5 लाख तो जाएंगे टोंगा में इमीडिएट असिस्टेंस के लिए। आपको पता है जब भी साइक्लोन आता है तो खाने की जरूरी वस्तुएं या फिर डेली यूज की वस्तुओं की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती हैं। तो $5 लाख खर्च किए जाएंगे इमीडिएट असिस्टेंस के लिए और बाकी बचे हुए $5 लाख खर्च किए जाएंगे रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स के लिए। मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन गीता की वजह से जो घर वगैरह नष्ट हो गए हैं तो उन घर को फिर से बनाया जाएगा, तो उन कामों के लिए बाकी बचे हुए $5 लाख खर्च किए जाएंगे। देखो जिस फंड की हम बात कर रहे हैं, इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड, पहले भी हमने ये डिस्कस किया था, इंडिया और UNODSC ने मिलकर एस्टैब्लिश किया है इस फंड को। UNODSC का मतलब है यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन और इंडिया ने मिलकर इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड एस्टैब्लिश किया है। मकसद क्या है इस फंड का? मकसद है साउथ साउथ कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना। देखो ग्लोबल साउथ जो टर्म है आमतौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए यूज की जाती है, जो गरीब देश हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो इस फंड की सहायता से ग्लोबल साउथ में जो काफी गरीब कंट्रीज हैं या फिर लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे प्रोजेक्ट्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं ताकि लीस्ट डेवलप कंट्रीज में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ सके। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा, टोंगा के बारे में लोकेशन भी याद रखिएगा, टोंगा की कहां पे है, टोंगा पैसिफिक ओशन में, और इस पॉइंट के बारे में जो जानकारी डिस्कस की वो भी याद रखिएगा, और गीता ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में भी याद रखिएगा, ये भी UPSC पूछ सकती है। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? भारत की सरकार ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ। इस लोन एग्रीमेंट की सहायता से 678 किलोमीटर जो इंदिरा गांधी कैनल सिस्टम है, यानी इंदिरा गांधी नहर जो कि 678 किलोमीटर लंबी है, इस नहर को रिहैबिलिटेट किया जाएगा। इस नहर को इस्टैब्लिश किया गया था 1958 से 1963 के बीच। लेकिन इंपॉर्टेंट इस आर्टिकल में है न्यू डेवलपमेंट बैंक। आप ये बताइए न्यू डेवलपमेंट बैंक को कब इस्टैब्लिश किया गया था? देखो जब 2014 में ब्रिक्स का समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन मेंबर कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया कि देखो भाई वर्ल्ड बैंक तो हमारी बात सुनता नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज के इशारों पे नाचता है वर्ल्ड बैंक, क्यों ना हम मिलकर अपना एक नया बैंक इस्टैब्लिश करें। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को इस्टैब्लिश करने के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ फोर्टोजिला समिट में, ब्राजील में 2014 में फोर्टोजिला समिट ऑर्गेनाइज हुआ था। UPSC ने क्वेश्चन भी पूछा था फोर्टोजिला डिक्लेरेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, तो आंसर था इसका ब्रिक्स। 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो एग्रीमेंट तो साइन हो गया था 2014 में,
लेकिन लीगल एंटिटी बना न्यू डेवलपमेंट बैंक 2015 में। 2015 में जब रशिया में समिट ऑर्गेनाइज हुआ था ब्रिक्स का, तो उस समय लीगल एंटिटी बन गया न्यू डेवलपमेंट बैंक। हम बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की, ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, सपोर्ट करता है पब्लिक और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को कई सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से, जैसे लोन्स, गारंटीज, इक्विटी पार्टिसिपेशन। कोऑपरेट भी करता है दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और फाइनेंशियल एंटिटीज के साथ, टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। शुरुआत में तो देखो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज ने इक्वल कैपिटल कंट्रीब्यूट की न्यू डेवलपमेंट बैंक को इस्टेब्लिश करने में, मतलब इक्वल पैसे दिए ताकि न्यू डेवलपमेंट बैंक को इस्टेब्लिश किया जा सके। लेकिन बाद में तो जिसकी जितनी औकात है उतना ही कंट्रीब्यूट किया जाएगा किसी देश के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक में। और एक बात ये याद रखिएगा, जो देश जितना ज़्यादा पैसा देगा उसका उसी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से वोटिंग पावर होगी। मान लीजिए टोटल कंट्रीब्यूशन 100 यूनिट्स हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक में, चाइना ने 50 यूनिट्स कंट्रीब्यूट करी हैं, बाकी 50 यूनिट्स बचे हुए चार देशों ने करी हैं, तो चाइना की जो वोटिंग पावर होगी न्यू डेवलपमेंट बैंक जो भी डिसीजन लेगा, चाइना की वोटिंग पावर 50% होगी, यानी जितना कंट्रीब्यूशन उतनी ही वोटिंग पावर। हेडक्वार्टर न्यू डेवलपमेंट बैंक का शंघाई में है, चाइना में, यह भी यूपीएससी ने पूछा था 2016 में। फर्स्ट रीजनल ऑफिस न्यू डेवलपमेंट बैंक का इस्टेब्लिश किया गया है जोहान्सबर्ग में। और एक इंपॉर्टेंट बात यह भी याद रखिएगा, पहले जो चेयरपर्सन है न्यू डेवलपमेंट बैंक के वो हैं केवी कामत, ये इंडिया से हैं, और बोर्ड के जो पहले चेयरपर्सन हैं वो रशिया से हैं। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आगे आप एक बार एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में भी देख लीजिए, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है दो बैंक्स के बीच। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये भी एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। इसे इस्टेब्लिश किया गया था चाइना के एफर्ट्स के बाद, इसीलिए चाइना की जो हिस्सेदारी है इस बैंक में सबसे ज्यादा है। चाइना की हिस्सेदारी है इस बैंक में 26.06%, उसके बाद इंडिया की हिस्सेदारी है 7.5%, रशिया की हिस्सेदारी है 5.93% और जर्मनी की हिस्सेदारी है 4.5%। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती हैं, यूं दे देगी स्टेटमेंट, क्या इंडिया की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में? नहीं, चाइना की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है और इंडिया की हिस्सेदारी दूसरे नंबर पर है। कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने इस बैंक को ज्वाइन नहीं किया है। मेजर इकोनॉमीज जिन्होंने इस बैंक को ज्वाइन नहीं किया है वो हैं जापान, मैक्सिको, नाइजीरिया, यूनाइटेड स्टेट्स। हेडक्वार्टर इस बैंक का बीजिंग, चाइना में है। काम क्या है? काम तो देखो वही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना लोन देके या बाकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से। मेनली बस ये है, अलग है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक से। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 2016 में, एग्रीमेंट साइन हुआ था 2015 में और इस्टेब्लिश किया 2016 में। 64 मेंबर्स हैं फिलहाल। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के बारे में है। 2016 में 12 कंट्रीज एक साथ आए ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए। एग्रीमेंट साइन हुआ था न्यूजीलैंड ऑकलैंड में। लेकिन जैसे ही ट्रंप राष्ट्रपति बने यूएसए के, तो अमेरिका ने विड्रू कर लिया ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से। तो पहले 12 देश थे अमेरिका से, अमेरिका ने जब विड्रू किया तो देश बच गए 11। उस समय कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप अब आगे नहीं बढ़ सकेगा क्योंकि यूएस ने विड्रू कर लिया है, लेकिन बचे हुए जो 11 देश थे उन्होंने फिर से एक एग्रीमेंट साइन किया। पुराना वाला जो एग्रीमेंट था उसको खत्म करके फिर से एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम है कॉम्प्रीहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो देखो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में पहले 12 देश थे, लेकिन यूएसए के निकल जाने के बाद अब 11 देश हैं और फिर से एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है 11 देशों के द्वारा। फ्री ट्रेड ये एग्रीमेंट है, 11 देश के बीच में जो फ्री ट्रेड है वो प्रमोट होगा इस एग्रीमेंट की सहायता से। कौन कौन से 11 देश हैं? कनाडा, मैक्सिको, पेरू, चिली, जापान, वियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इंडिया मेंबर नहीं है, ये जरूर याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल असगाबाद एग्रीमेंट के बारे में है। असगाबाद एग्रीमेंट को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा बेसिक्स और बैकग्राउंड जान लेते हैं। 2000 में तीन देशों के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, इंडिया, ईरान और रशिया के बीच। एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ था कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इस्टेब्लिश किया जाएगा जिसकी लेंथ होगी 7200 किलोमीटर। आप रूट देख लीजिए एक बार इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का, मैप में देखिए। इंडिया और रशिया के बीच ट्रेडिशनली जो सामान आता है या फिर ले जाया जाता है वो इस रूट की सहायता से, मेडिटेरियन सी से होके। तो ये रास्ता काफी लंबा है, कनेक्टिविटी काफी डिफिकल्ट है रशिया के साथ जब इंडिया ट्रेड करता है। इसीलिए 2000 में तीन देशों ने डिसाइड किया था कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इस्टेब्लिश किया जाएगा। ये रूट मैप है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का। ईरान में सामान पहुंचेगा अगर इंडिया से भेजा जा रहा है तो बंदर अब्बास पोर्ट, उसके बाद सेंट्रल एशिया से होता हुआ रशिया में सामान पहुंचेगा और इसी रूट से इंपोर्ट कर सकेगा इंडिया सामान। ये रूट मैप है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का।
देखो, अब इंडिया ने छबार पोर्ट के लिए जो ईरान के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, तो उस एग्रीमेंट की सहायता से ईरान तक तो सामान आगे आसानी से पहुंचाया जा सकता है, लेकिन ईरान से आगे सेंट्रल एशिया होता हुआ रशिया में सामान पहुंचाना अभी भी डिफिकल्ट है। तो इस चीज को दूर करने के लिए, इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए इंडिया ने अब असगाबाद एग्रीमेंट को ज्वाइन कर लिया है। असगाबाद एग्रीमेंट ये भी एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट है। इसमें फिलहाल 6 देश हैं, इंडिया है, ईरान है, कजाकिस्तान है, ओमन है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। ये एग्रीमेंट फोर्स में आया था 2016 में, साइन किया गया था इस एग्रीमेंट को 2011 में। उस समय 5 देश थे, ईरान था, ओमान था, कतर था, तुर्कमेनिस्तान था, उज्बेकिस्तान था, लेकिन कतर ने विड्रू कर लिया था 2013 में, तो बच गए थे 4 देश। लेकिन उसके बाद 2016 में कजाकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया था, तो 5 देश हो गए। और इंडिया ने भी इस साल फरवरी 2018 में इस एग्रीमेंट को ज्वाइन कर लिया है, तो 6 देश हो गए हैं फिर से असगाबाद एग्रीमेंट में। तुर्कमेनिस्तान डिपॉजिटरी स्टेट है इस एग्रीमेंट के लिए। असगाबाद एग्रीमेंट सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ से, यानी ट्रांजिट कॉरिडोर इस्टेब्लिश करता है सेंट्रल एशिया और पर्शियन गल्फ के बीच, ताकि सामान को आसानी से लाया और ले जाया जा सके। यानी ट्रांसपोर्टेशन जो है गुड्स का, वो फैसिलिटेट करता है असगाबाद एग्रीमेंट सेंट्रल एशिया और पर्शियन गल्फ के बीच। आप एक बार पिक्चर देख लीजिए, यहां पे है पर्शियन गल्फ, तो पर्शियन गल्फ से सेंट्रल एशिया के बीच ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इस्टेब्लिश करता है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में दिक्कत यह आ रही थी कि ईरान से आगे सेंट्रल एशिया होता हुआ सामान रशिया तक पहुंचाना मुश्किल था। ईरान तक तो हमने एग्रीमेंट साइन कर लिया था चबार पोर्ट के लिए, लेकिन आगे सामान पहुंचाना मुश्किल था। तो अब असगाबाद एग्रीमेंट की सहायता से इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का जो हमारा सपना था वो भी पूरा हो सकेगा। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में दिक्कत आ रही थी, लेकिन असगाबाद एग्रीमेंट की सहायता से अब इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का जो रास्ता है, जो रूट है, जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी हमारी जो कनेक्टिविटी है वो सेंट्रल एशिया तक भी इंप्रूव होगी और रशिया तक भी इंप्रूव होगी असगाबाद एग्रीमेंट की सहायता से। तो ये पूरा आर्टिकल था। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। करंट अफेयर रिवीजन फॉर फिल्म 2018 की सीरीज में आईआर की रिवीजन का ये हमारा 9th लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।